क्लास 11th चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आज हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन एंड सोशल कंडीशन। डेमोग्राफिक मतलब होता है जनसांख्यिकी और कंडीशन मतलब होता है परिस्थिति। तो हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन एंड सोशल कंडीशन कब इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब जनसंख्या की परिस्थिति और सामाजिक कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बिफोर 1881 देयर वाज नो सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग सेंसस। सेंसस जो होता था पॉपुलेशन सर्वे वो 1881 के पहले नहीं होता था, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। जो पहला सेंसस था वो कब कंडक्ट किया, 1881 में कंडक्ट किया। ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट ए में चैप्टर सेकेंड में। जो सेंसेस है वो हर साल में कितने साल में होती है, एक सेंसेस 10 ईयर्स में की जाती है। एट एन इंटरवल ऑफ इस 10 ईयर द सेंसेस वॉज कंडक्टेड। जो सेंसेस होती है पॉपुलेशन की जनगणना होती है वो 10 साल में एक बार की जाती है और ये स्टार्ट हुई थी 1881 में। द डिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डेटा रिवील्ड द डेमोग्राफिक एंड सोशल कंडीशन विच आर ब्रीफली मैंशन बिलो। इन्वेस्टिगेशन में जो जांच में क्या होता था, डिले हो गया डाटा कलेक्ट करने में, तो उसकी वजह से डेमोग्राफिक जनसंख्यिकी एंड सोशल सामाजिक जो परिस्थितियाँ है वो इस प्रकार थी। कब, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द बर्थ रेट वॉज 48 एंड डेथ रेट वॉज 40 per 1000 ऑफ पीपल। इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ बैकवर्डनेस। जो बर्थ रेट है वो कितना था, मतलब जन्म दर 48,000 था और मृत्यु दर कितना था, 40 per 1000 था। ये अकॉर्डिंग टू पीपल दे रखा है पर थाउजेंड, मतलब जन्म दर क्या था ज़्यादा था और मृत्यु दर क्या था कम था। ये क्या है हमारा एक प्रकार से, इस इंडेक्स को हम देखें तो ये क्या है? बताता है हमारी कंट्री के बैकवर्डनेस बताता है, पिछड़ा वर्ग बताता है। बी द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई। इन्फेंट मोर्टलिटी, इन्फेंट मोर्टलिटी मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर था वो भी क्या था, काफ़ी हाई था उस टाइम पर। 18 चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन वर रिपोर्टेड डाइड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब 1000 में से 18 बच्चे ऐसे होते थे, इसे रिपोर्ट किया गया था, मतलब 1000 में से 18 चिल्ड्रन क्या होते थे, बिलो 1 ईयर ही क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी क्या था, वो काफ़ी हाई था। मतलब शिशु जो छोटे बच्चे होते थे जो 1 ईयर से छोटे होते थे उनके पहले ही क्या हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। सी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो लो। लाइफ मतलब जीवन और एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है प्रत्याशी या उम्मीद। जो जीवन की उम्मीद थी वो भी क्या थी, काफ़ी लो थी। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑन एन एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू लिव एज लो एज 32 ईयर्स। जो लाइफ एक्सपेक्टेंस था वो भी कितना था, सिर्फ 32 ईयर्स से लो था। मास लिटरेसी अमंग पीपल वॉज सीन इन द कंट्री विच इज़ एन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। मास इलिटरेसी मतलब होता है सामूहिक साक्षरता। मास मतलब होता है सामूहिक, एक ग्रुप बोल सकते हैं जिसे हम, और इलिटरेसी मतलब होता है अनएजुकेटेड या साक्षरता। हमारी कंट्री में क्या थी, ये काफ़ी लोग जो लोग थे वो क्या थे, काफ़ी कम एजुकेटेड थे, और इसी का रीज़न क्या था, पॉवर्टी थी और बैकवर्ड था। पॉवर्टी गरीबी थी और बैकवर्डनेस था, पिछड़ा वर्ग था। द लास्ट सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड अंडर ब्रिटिश रिजाइन वॉज इन 1941। लास्ट टाइम जो सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन थी, जनगणना थी, वो ब्रिटिश के द्वारा कब की गई थी कंडक्ट, 1941 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। इट डिक्लोज डेट ओनली 17% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिटरेट। इट मीन्स 83% पॉपुलेशन वॉज सफरिंग फ्रॉम इलिटरेसी। 1941 में जब सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन किया गया जिसमें लिटरेसी रेट क्या निकली थी, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रिजाइन सिर्फ ओनली 100% में से 17% पॉपुलेशन ही क्या थी, हमारी लिटरेट थी, शिक्षित थी, और बाकी जो रिमेनिंग थी 83% पॉपुलेशन वो क्या थे, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे। ई लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ सरप्राइजिंग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इंडिपेंडेंस के समय में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी
वो किसे सरप्राइज हो रही थी, दब रही थी, उसका रीजन था लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब होता है निम्न जीवन स्तर, मतलब जो इंडिया के जो पीपल थे उनका स्टैंडर्ड कैसा था, जीवन स्तर कैसा था, काफ़ी लो था किसी वजह से, ब्रिटिश रिजाइम की वजह से। इट वॉज रिवल्टेड 80-90% ऑफ इनकम ऑफ पीपल वॉज स्पेंड ऑन बेस नेसेसरी बेसिक नीड्स, दैट इज फूड क्लॉथिंग एंड हाउसिंग। इसका ये तात्पर्य निकला कि जो 80-90% थी इनकम जो व्यक्ति क्या कमाता था 100%, उसमें से 80-90% सिर्फ उसकी ज़रूरत के लिए क्या हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। जैसे बेसिक नीड्स के लिए जैसे फूड क्लोथिंग और हाउसिंग, इनमें ही उसकी 80-90% इनकम क्या हो जाती थी, स्पेंड हो जाती थी। इवन देन द पीपल वर डिप्राइड ऑफ सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ फूड और क्लोथिंग और हाउसिंग। और उनमें से कुछ पीपल ऐसे भी थे जिनके पास ना सफिशियंट पर्याप्त मात्रा में ना फूड होता था, ना क्लोथ होता था, ना हाउसिंग होती थी, मतलब उन्हें सफिशियंट क्वांटिटी में बेसिक नीड भी प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, बेसिक नेसेसिटीज़। मिलियन ऑफ फूड क्लोथ्स एंड हाउसेस, मेनी ऑफ देम हैड टू रिमेन स्टार्व नेग्ड एंड हाउसलेस। उनमें से कुछ ऐसे होते थे जिन्हें स्टार्व्ड भूखा रहना होता था, नेक्ड बिना कपड़ों के होना होता था, मतलब उनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे, क्यों, क्योंकि वो लोग काफ़ी पुअर थे, और हाउसलेस थे मतलब उनके पास घर भी नहीं होता था रहने के लिए। सम पार्ट ऑफ इंडिया यूज़ टू फेस सेवर फैमिन कंडीशन एंड लैक ऑफ पीपल यूज़ टू मीट डेट। और इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स में इस कंडीशन का क्या हुआ, काफ़ी बुरी तरीके से लोगों ने सामना किया, काफ़ी बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी, एक प्रकार से क्या थी, फैमिन थी, आपदा थी ये। और उसमें से कई लाख लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, किसकी वजह से, उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल पाई थी, इसकी वजह से। बंगाल फैमिन ऑफ 1943 विटनेस डेट ऑफ अबाउट 30 लाख पीपल। और जब बंगाल फैमिन हुआ था, जो बंगाल में आपदा आई थी, कब, 1943 में, वो एक क्या है, हमारे पास एक सबूत है कि ब्रिटिश रिजाइम में हमारा जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफ़ी बहुत क्या था, बुरा था, और उसी की वजह से 30 लाख पीपल की क्या हो गई थी, जान चली गई थी। तो ये तो था डेमोग्राफिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रिजाइम या बिफोर इंडिपेंडेंस।